क्या आपका प्यारा सा रिश्ता किसी की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गया है? क्या आपका दिल टूटा है? और दिल तोड़ने वाला इंसान आपका खुद का अपना ही है, जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते थे, उसी ने आपकी लाइफ को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ भी है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, आप सब अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती है तो इसे प्लीज जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। यहाँ किसी का पर्सनल नाम नहीं लिया जाता है। ऑल साइन रीडिंग है बट स्टिल आपको साइंस यहाँ पर बता दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की कार्ड स्प्रेड को। देखेंगे क्या डिवाइन आज आपको के लिए मैसेज भेज रहे हैं, क्यों नो कॉन्टैक्ट आया है, क्यों डिफरेंसेस आ गए हैं आप लोगों के बीच में, क्या कोई और पर्सन है जो आप दोनों के बीच में आया है, या किसी और ने आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस किया है और आपकी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया है। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस नीचे जरूर डालिएगा आप अपने पर्सनल लाइफ में, करियर लाइफ में, लव लाइफ में। क्या चाहते हैं आपको, जॉब में सक्सेस चाहिए, जो भी आपकी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हैं वो सब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स नीचे पढ़ते हैं तो वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का नाम और इमेज दिमाग में सोचते हुए इस रीडिंग को देखिएगा, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर लीजिए, देखते हैं क्या आ रहा है फर्स्ट कार्ड आपके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है द मास्टर, फाइन। और देख लेते हैं क्या आ रहा है, रिसेप्टिव। ओके, नो थिंकिंगनेस, फाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिएटिविटी। चलिए इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, इन कार्ड्स को देख लेते हैं ये कार्ड्स क्या और डिटेल्स दे रहे हैं। देखिए आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत अभी मुझे वीक दिखाई दे रही है, आपके सामने अभी अंधेरा छा गया है, आपको अभी कुछ सोचने समझने की शक्ति आपकी खत्म हो गई है, आप लोग अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। द मास्टर का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, प्लीज बताइए। द मास्टर का कार्ड आया है, द स्वॉर्ड का कार्ड। ओके, सो द स्वॉर्ड का कार्ड आ गया है फर्स्ट, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आई है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड नेक्स्ट है। तो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो कर्क मीन वृश्चिक राशि आई है, क्लैरिफाई करेंगे। मैजिशियन आया है, ओके, एंड नाउ क्रिएटिविटी क्लैरिफाई करेंगे तो किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। ओके, तो चलिए पहले ये कार्ड से समझ लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है। देखिए आपकी जो पर्सन है ना वो अभी कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी जो एनर्जीज है वो या आपकी जो थॉट्स और थिंकिंग्स हैं वो उन तक जा रही हैं, लेकिन आपका जो दर्द तकलीफ है, जो दुख है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो उनकी वजह से हुआ है, या अगर वो एक्सेप्ट कर भी रहे हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं दर्द देने में, दुख देने में उनका ही हाथ है, राइट। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की, तो थर्ड पार्टी तो देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स में है एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड में भी है, फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है एंड टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो देखिए सारी ही चीजें नेगेटिव डाउन में है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और देखो आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया है, आपकी विल पावर कम हो चुकी है, यहाँ पर आप अपने स्किल्स पे काम नहीं कर पा रहे हो, आपके दिमाग में दिन रात यही सब नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, है ना। आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो इन सब सिचुएशंस के चलते हुए हेल्थ भी डाउन हो रही होगी, आप लोगों में से कई लोगों की कुछ ना कुछ लॉसेस भी आ रहे होंगे, पेन में भी हैं, तकलीफ में भी हैं, आप देख सकते हैं। एंड गॉड से प्रे करते रहते हैं कि
कुछ तो ठीक कर दीजिए, हो जाए, या कुछ तो इस तरह की सिचुएशन या मैजिक हो जाए कि सिचुएशंस ठीक होती चली जाए और हमारी लाइफ से जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये चली जाए। इस तरीके की सिचुएशंस आप में से कई लोगों की होगी। लेकिन देखो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी का मुझे टाइम दिख रहा है, वो थर्ड पार्टी का टाइम यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। और सी यहाँ पर जो नेक्स्ट राशि आ गई थी दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहाँ पर आ गई है। एंड ओके फाइन, सारी राशियाँ यहाँ पर आ गई है। सी दिस इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी यहाँ आ चुकी है, ठीक है। तो सारी ही राशियाँ यहाँ पे आ गई हैं। एंड सी देखो इधर बहुत क्लियर कट है कि जो आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, उसका अभी टाइम कंप्लीट हो रहा है एंड उसके भी उसका भी जो प्रॉब्लम का टाइम है वो शुरू होने वाला है। ये जो थर्ड पार्टी है इसको कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भूख बहुत ज़्यादा है एंड समय चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, आपके जो पर्सन है ना वो भी अभी इस दुख तकलीफ से झेलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनकी गलती हुई या उनसे ये मिस्टेक हुई कि उन्होंने ये थर्ड पार्टी का ऑप्शन सेलेक्ट किया और आपको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया। जो थर्ड पार्टी है वो पावर्स का यूज़ करती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी उसकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अभी काफ़ी कुछ चीज़ें सिचुएशंस हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका कंट्रोल अभी यहाँ से खोता चला जा रहा है। आपकी थर्ड पार्टी के ऊपर से कंट्रोल खोता चला जा रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। अब आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखो इधर क्या हो रहा है ना कि आपकी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा आपने अपने पर्सन के लिए दी हैं, आपने बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को टाइम दिया है, लेकिन आपके इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी, आपका इतना इमोशंस डालने के बाद भी आपकी जो लाइफ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें चीज़ें खराब ही, टाइम टू टाइम खराब ही होती चली गई हैं एंड इमोशंस कंट्रोल भी नहीं कर पाए हो आप, इतना ज़्यादा आपको दुख हुआ है आप इस। एंड जो ये आपके जो पर्सन है, आप इवन आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे कि आपने अपने पर्सन की फीलिंग्स को आप लोग में से कई लोग नहीं समझ पाए हो। आपकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आपके पर्सन किसी प्रॉब्लम में होंगे या कहीं ना कहीं इमोशनली कुछ ब्रेकडाउन हुआ होगा या कुछ प्रॉब्लम अगर इनके साथ हुई होगी तो आप भी उस चीज़ को नहीं समझ पाए, है ना। और ये डिफरेंसेस आते चले गए आप दोनों के बीच में एंड जो आपके पर्सन है उन्होंने ये चीज़ किसी और के साथ शेयर की है, बाहर किसी के साथ शेयर की है या इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर की है, जिसकी वजह से चीज़ें उसने अपने कंट्रोल में ले ली, है ना। सी उसने अपने कंट्रोल में चीज़ें ले ली और वो अपने हिसाब से आपके पर्सन को चलाने लगी। एंड यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ये फिजिकली अट्रैक्ट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट किया है, आपके पर्सन भी अट्रैक्ट होते चले गए हैं, फाइनेंसेस भी हाई होंगे आपके पार्टनर के पास, बट स्टिल कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी इनकी फेवर में नहीं रही और ये थर्ड पार्टी के काबू में आते चले गए और आपके हाथ से निकलते चले गए, ठीक है। आपने आपकी ये जो थर्ड पार्टी है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर रूल कर रही है, पावर यूज़ करती है एंड कहीं ना कहीं चीज़ें डोमिनेंसी की तरफ उसकी थर्ड पार्टी के मुझे दिखाई दे रही है। कुछ टाइम से नेगेटिव एनर्जीज भी आ रही हैं थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी की जो गलत चीज़ें हैं, गलत आदतें हैं या जो जिस तरीके से वो अपनी चीज़ें प्रेजेंट करती है या आपके पर्सन को कंट्रोल करती है वो अभी आपके पार्टनर की समझ में धीरे धीरे आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है यहाँ पर, तो चीज़ें बदलती हुई, टाइम चेंज होता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है ना उनके फाइनेंसेस भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने रोक दिए हैं, इनको जो थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन है इन आप में से कई लोगों के पर्सन को फाइनेंशियल हेल्प किसी और से लेने की ज़रूरत पड़ रही है, या तो अपने पेरेंट्स से ले रहे होंगे या किसी फ्रेंड से, या इस तरह की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका जो थर्ड पार्टी का कंट्रोल है ना ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्रेशर भी डाल रखा है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर,
क्लियर। एंड देखो अभी टाइम यहाँ पे मुझे साफ साफ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो टाइम शिफ्टिंग, टाइम चेंज यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड चीज़ें आपकी तरफ मुझे बढ़ती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पर्सन का भी दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इनका जो बिहेवियर है ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में हो चुका है, थर्ड पार्टी से भी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एंड स्वॉर्ड के कार्ड्स आए हैं, तो आपके जो पर्सन है वो अभी इस एनर्जी में बैठे हुए हैं कि जो थर्ड पार्टी ने बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है अचानक से, तो वो उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि ये बता रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों में फंसते चले जा रहे हैं, वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो गलत रास्ते पे चल दिए हैं। आपके साथ जो वो रास्ता चल रहे थे, जिस रास्ते पे आपके साथ चल रहे थे, या जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया था, वो उस चीज़ को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन अभी उनको ऐसा लग रहा है कि जिस रास्ते पे वो अभी चल दिए हैं वो बिल्कुल अंधेरे वाला रास्ता है, उनको अंधेरे की तरफ लेके जा रहा है, वो उजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी और थर्ड पार्टी की लाइफ स्मूथली चलती रहे, ब्राइटनेस चलती रहे इनकी इनकी लाइफ में। लेकिन थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, या इतना ज़्यादा वो कंट्रोल करती है कि इनका इनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं रह गया है। एंड देखो क्या हुआ है कि आपकी रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा लॉसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप में से कई लोगों को पहले ही समझ में आ गया होगा कि आपके जो पर्सन है ना वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, ठीक है। आप में से कई लोगों को ये समझ में आया होगा कि आपके जो पर्सन है ना वो कहीं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप में से किसी ने पूछने की भी कोशिश की होगी तो आपके पर्सन ने झूठ ही बोला होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है। एंड जब आप कॉल कर रहे होगे या आप मैसेज करते होगे तो आपके कॉल मैसेज का झूठा जवाब भी आता होगा। एंड ये थोड़े टाइम में चीज़ें आपकी समझ में भी आई हैं, लेकिन आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि आप फॉर ग्रांटेड लेते रहे, मतलब आप ढील देते रहे कि चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, होता है, टाइम मिला या वॉट एवर। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये चीज़ें आपको भी ऐसा लगा होगा कि इनका बिहेवियर अचानक से ख़राब हो गया है आपके लिए। आपको लगने लगा कि आप लोगों की जो एक आप जो दोनों जो एक रास्ते पे चल रहे थे वो रास्ते अलग होते हुए आप लोगों को दिखाई दिए। स्पेशली आपको चीज़ें फील होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोगों के अचानक से जो इमोशंस हैं वो मैच करने बंद हो गए, है ना। आप फिर भी एडजस्ट करते रहे, मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट्स भी दिखाई दे रही है। आप अपनी फीलिंग्स के साथ एडजस्ट करते रहे, आप अपनी पावर्स के साथ, मतलब आप अपनी जो आप एफर्ट्स डाल रहे थे ना वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वेस्ट हो रहे हैं, है ना। तो आप कहीं ना कहीं तकलीफ में भी मुझे दिखाई दे रहे हो, आप इमोशनली डाउन भी मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड क्या होता है जब हम चीज़ें समझने लगते हैं ना, तो कुछ अनयूजुअल चीज़ें, जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे सामने होती हैं तो वो चीज़ें हमें रियलाइज़ ज़रूर होती हैं, लेकिन हमारे कई बार हमारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो वही चीज़ आप में से कई लोगों के हाथ बारे में यहाँ पर आई है कि सिचुएशंस आपके हाथ से निकल गई, है ना। कई चीज़ें ऐसा अंधेरा आ गया आपकी लाइफ में, आपको अचानक से लगा कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, आपका आपके पर्सन का बिहेवियर अचानक से चेंज हो रहा है। कई बार आपके पर्सन ने आपको ही उल्टा सीधा बोला, आपको ही चार बातें सुनाई होंगी, झगड़े किए होंगे कि तुम्हारी वजह से ही मेरे को ये ऐसा करना पड़ गया। जब आपने कई आप में से कई लोगों ने पकड़ा होगा तो उन्होंने ब्लेम आपके ऊपर ही डाला होगा कि तुम्हारी वजह से ही मेरे को ये सब करना पड़ा, ठीक है, ना तुमने टाइम दिया, ना तुमने ये किया, वो जो भी कुछ यूज़ किया होगा उन्होंने वर्ड्स। बट कहीं ना कहीं चीज़ें आपसे दूर ही होती चली गई, डिफरेंसेस आते ही चले गए, एडजस्टमेंट्स करने का कोई फ़ायदा आपको दिखाई नहीं दिया। कई बार आपने खुद पे भी ब्लेम डाला होगा, यार मैंने ही गलत बोल दिया, ये मेरी वजह से ही, बट ये सब ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन ही इस तरीके से घूमी है। लेकिन अभी फिर से सिचुएशन मुझे यहाँ पे घूमती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनसे अभी गलती हुई, जो उन्होंने आपसे हट के कोई पाथ चुन लिया, या किसी और पर्सन को उन्होंने आपके अगेंस्ट में चुन लिया, है ना। एंड अब इस वजह से क्या हुआ, इनका पर्सनल इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है। आपके पर्सन की एनर्जी अभी ऐसी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अपनी आपकी बातें नहीं उन्होंने सुनी है और चले गए, पर अभी आपको पूरी तरह से आपको मतलब खुद को वो आपके आपके लिए डिवोट करना चाहते हैं, आपको अभी याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो गैप आप दोनों के बीच में आ गया है वो अभी फिल करने के मूड में अभी वो बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं,
है ना, आप उन पर उनको क्या देखो वापस तो वो कैसे आएंगे, अभी वो इतनी सब चीजें खराब करके चले गए, तो अभी किसी ना कहीं ना कहीं उनके दिल में दिमाग में ये चल रहा है कि वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं उन्होंने छोड़ा हुआ है ना, इसलिए वो आपको अप्रोच भी नहीं कर रहे होंगे। आप में से कई लोगों के पर्सन ने आपको अप्रोच इसलिए भी नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, चीजें और गलत हो जाएंगी या लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि गलती तो उनकी ही थी कहीं ना चीजें खराब करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए या रिलेशनशिप खराब करने के लिए। इनको लगता था कि आपने कभी इनके ऊपर भरोसा नहीं किया है, आपने आप कहीं ना कहीं आप में से कई लोग शक भी करते होंगे अपने पर्सन के ऊपर, तो उस वजह से भी कई लोगों की लाइफ में डिफरेंसेस आए होंगे कि सारा टाइम शक 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 पूरा टाइम, बस यही भरोसा भी नहीं है कि कहाँ है, मतलब दो दो मिनट में फ़ोन करके भी आप में से कई लोग पूछते होंगे कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो सब काफ़ी हर कोई हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो यहाँ हम अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से आपको कार्ड्स के बारे में बताते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनको लगता था कि आप भरोसा तो करते नहीं हो, तो उस वजह से भी इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना शुरू कर दिया कि ओवर रूल किया आपने इनको, आप में से कई लोगों ने कंट्रोल करके रखा होगा, कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं बस ये मेरी प्रॉपर्टी है, ना ये किसी से बात करे, ना ये कहीं जाए, ना किसी से मिले, तो कंट्रोलिंग पावर्स भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने इनके ऊपर रखी हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये चीज़ें आपसे तो नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने दूसरों के साथ ये बातें शेयर की हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी के साथ ये बातें शेयर की हैं, तो थर्ड पार्टी ने इन सब सिचुएशंस का यूज़ उठाते हुए ही मतलब इन सब चीज़ों इन सब बातों का इस्तेमाल करते हुए ही आपके पर्सन को ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपके जो पर्सन है ये सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जो थर्ड पार्टी है थर्ड पार्टी को भी इसके की मतलब इसने जो आप दोनों को अलग करने के लिए इनके दिमाग के साथ खेला है, जो मैनिपुलेशन इसके दिमाग के आपके पर्सन के दिमाग के साथ किया है ना, वो उसको कहीं ना कहीं वापस करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है इनकी जो लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है, इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई हुई हैं, मैनिपुलेट किया हुआ है, सच झूठ में सच और झूठ काफ़ी कुछ उसने मिक्स करके रखा हुआ है, आधी बातें इनको बताई हैं अपने बारे में, आधी बातें नहीं बताई हैं, तो वो छुपी हुई चीज़ें भी इसकी थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के सामने आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। टू ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, आपके पर्सन ऐसे दो राह पे खड़े हुए हैं कि वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा इनको इनके इनके साथ इस तरह की कुछ मतलब होगा इनके दोनों के बीच में कुछ इस तरह का पर्सनल या मिस्टीरियस कुछ कि ये इस थर्ड पार्टी के हाथ से नहीं जा सकते हैं या इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, या तो कुछ फाइनेंशियल हेल्प लिया होगा थर्ड पार्टी से, राइट, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट अभी ऐसी दो राय पे खड़े हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अपने खुद के सवालों के जवाब ढूंढते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एंड अभी इनको ऐसा लगता है कि इनको किसी के हेल्प की ज़रूरत है, ये अभी आपके साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, फिर से टू का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं अभी इनके दिमाग में, बहुत पेन में अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, तकलीफ़ में आ चुके हैं, एंड ये आपके जो पर्सन है ना, ये इस आपके पर्सन का ही यहाँ पर जो कर्मा चल रहा है, ये आपके पर्सन का ही कर्मा चल रहा है जो कि थर्ड पार्टी के थ्रू इनको मिल रहा है। आपके पर्सन ने आपके पार्टनर ने जो भी आपको दुख तकलीफ दी है, आपको रुलाया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ गलत किया है या आपके दिल को चोट पहुंचाई है, तो ये सब चीज़ें इनको डिवाइन जो है ये इनको कर्मा देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अभी ये उन सब सिचुएशंस में खुद ही फंस गए हैं, इनकी इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, ये खुद ही अपनी लाइफ से जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फैमिली प्रेशर में भी हैं एंड फैमिली भी इनको यही चीज़ बोलती हुई दिखाई दे रही है कि आपके साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छा था, राधा ये थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हर तरीके से इसने अपना कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो अभी आपके पर्सन जो है वो इसके हाथ से चंगुल से निकलना ज़रूर चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे और ये थर्ड पार्टी भी इनको इजीली अपने लाइफ से जाने नहीं देगी, ठीक है। तो अभी अपना ही कर्मा ये भुगत रहे हैं, डिवाइन अभी इनको ही इनका पेन वापस लौटा रही है। तो ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के कार्ड्स, अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं आगे आने वाले कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आप लोगों के बारे में।